स्ट्रॉ क्रीम क्या होती है? अरे भाई इसको पहले लगाना है प्राइमर के या बाद में लगाना है, मॉइस्चराइजर में मिक्स करना है, क्या बलाई है? मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे रही हूँ इस वीडियो में, बिना स्किप करे वीडियो देखना। तो सबसे पहले यार जो स्ट्रॉब क्रीम में जो ये वर्ड है ना स्ट्रॉब, उसका क्या मतलब है कई लोगों को ये ही नहीं पता है। तो स्ट्रॉबिंग का मतलब कुछ नहीं होता बहन, बहुत इजी है, हाइलाइटिंग टेक्निक है ये। बेसिकली क्या होगा, जैसे ही आपके फेस पे लाइट पड़ती है आपके हाई पॉइंट्स पे, तो आपका वो एरिया शाइन करना चाहिए, इसे हम बोलते हैं स्ट्रॉबिंग टेक्निक। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब हाई पॉइंट्स कौन से आपको पता ही है, ये आपका चीक्स है, नोज पार्ट हो गया, चिन हो गया, यहाँ पे चला गया, जो फॉरहेड पे एरिया होता है। इवन तो कई लोग अपने यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री में जो काम करते हैं, सेलिब्रिटीज वगैरह होते हैं, वो लोग ऐसे शूट करवाते हैं और यहाँ के बहुत अच्छा खासा ग्लो आता है, यहाँ पे जैसे आप नोटिस करना उनके बहुत शाइन आती है। तो ये सब क्यों होता है, जैसे लाइट पड़ी वो एरिया चमकने लग जाएगा। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। अब जो ये स्ट्रॉबिंग मेकअप है ना, ये आप तीन तरीके से अचीव कर सकते हो। पहला होगा कि आप एक लिक्विड हाइलाइटर यूज कर लो, दूसरा इल्यूमिनेटर्स यूज कर लो, और थर्ड होता है स्ट्रॉब क्रीम यूज करना। फेस पे चमक आनी चाहिए। आप उस चमक को अचीव करना चाहते हो, हेल्दी ग्लो चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका स्किन है जो वो काफी हाइड्रेटेड रहे, इसलिए आप स्ट्रॉब क्रीम्स वगैरह यूज कर लो। अब बात करते हैं कि यार स्ट्रॉब क्रीम्स जो होती है उनके कोई शेड्स भी आते हैं क्या? आते हैं जी, सबको सेम शेड यूज नहीं करना होता। तो अगर आपका स्किन फेयर टू लाइट है ना, तो आपको एक ऐसा स्ट्रॉब क्रीम यूज करना होगा जिसका शेड पिंक हो, कूल टोन वाले जो शेड्स होते हैं वो यूज करोगे। अब बात करते हैं उनके जिनका जो स्किन का टोन है वो लाइट से लेके थोड़ा सा मीडियम है, वो लोग यूज कर सकते हैं पीची शेड में हो, या फिर आप यूज कर सकते हो गोल्ड शेड, ये दोनों आप पे चले जाएंगे। थर्ड हमारा स्किन होगा मीडियम टू डार्क। अब ऐसे लोग अगर एक बहुत ही लाइट शेड की स्ट्रॉब क्रीम यूज कर लेंगे ना, तो उनका फेस ग्रे हो जाता है। तो इसका रीजन यही है कि आप कूलर टोन वाला शेड यूज करो। सिंपल वर्ड्स में बता रही हूँ, अगर आपका स्किन मीडियम टू डार्क में जा रहा है तो आपको ऐसे स्ट्रॉब क्रीम्स यूज करने हैं जिनका शेड बेसिकली थोड़ा सा वार्म टोन वाला शेड आपको चूज करना है। स्ट्रॉब क्रीम्स को कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, तो स्ट्रॉब क्रीम्स यूज करने के ना मैं पांच तरीके बता रही हूँ। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। पहला तरीका ये होगा कि आप उसको प्राइमर के बाद यूज कर लो। प्राइमर के बाद यूज करोगे तो प्राइमर पहले आपको स्किन को स्मूथ कर देगा, एंड देन जब अपना स्ट्रॉब क्रीम यूज करोगे तो वो हाईलाइट तो करेगा करेगा, साथ में हाइड्रेट भी कर देगा। तो करना। दूसरा पॉइंट, आप अपने फाउंडेशन में भी स्ट्रॉब क्रीम को मिक्स करके और अच्छा खासा ग्लोई ड्यूइनेस एंड चमकीला धमकीला सारा लुक ला सकते हो। कभी कभी क्या होता है, आप मेकअप कर रहे हो, आपको लग रहा है कि यार मेरा स्किन जो है वो थोड़ा सा ड्राई होता जा रहा है, या फिर मेरे स्किन में इतना ग्लो नहीं आ रहा है, तो उस ग्लो को अचीव करने के लिए फाउंडेशन में मिक्स करा, पूरे फेस पे अप्लाई करा और ये चमक आ जाएगी। अच्छा, थर्ड वे आपका होता है, आप अपने ब्लश में भी अपना स्ट्रॉब क्रीम को मिक्स करके लगा सकते हो। मैंने आपको सेकंड पॉइंट बताया कि यार अपने फाउंडेशन में मिक्स कर लो, कई लोगों को लगेगा कि यार तो ओवर ही चमक आ गई। कोई बात नहीं, आप अपना ब्लश लो, और ब्लश कहाँ का लगेगा, आपके चीक्स एरिया पे, हल्का सा नोज पे, आप वहाँ पे अपना स्ट्रॉब क्रीम को मिक्स करो, अप्लाई करो, ब्लेंड करो, और सिर्फ वो एरिया आपका चमकने लग जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। फोर्थ पॉइंट जो बहुत ही मुझे अच्छा लगा है, जैसे आप अपनी फेस पे इस एरिया को हाईलाइट कर रहे हो, नोज को कर रहे हो, चिन को कर रहे हो, हर जगह कर लिया, क्यों ना आप अपने इनर कॉर्नर्स को यहाँ पे इसको भी हाईलाइट करो, तो अपनी स्ट्रॉब क्रीम आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। फिफ्थ पॉइंट, अब कुछ लोग कहेंगे कि सिमरन मुझे मेकअप नहीं करना, बस मुझे थोड़ा सा ड्यूइनेस चाहिए होती है हर दिन, तो मैं क्या करूँ? आप डेली यूज में भी अपना स्ट्रॉब क्रीम यूज कर सकते हो बिना मेकअप करे। जी यस, आप अपने मॉइस्चराइजर में भी स्ट्रॉब क्रीम मिक्स कर सकते हो यार। अब वो आप पे डिपेंडेंट है कि आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए, बट अगर आपको डेली ऑफिस जाना है, पार्टी जाना है, कुछ भी ऐसा एक थोड़ा सा लुक क्रिएट करना है, अपनी स्ट्रॉब क्रीम आप अपने मॉइस्चराइजर में मिक्स करो, हाइड्रेशन का हाइड्रेशन मिल गया एंड शाइन की शाइन मिल गई। क्या बात है। मुझे ये बताओ कि इन पांचों वेज में से आपका फेवरेट कौन सा है? मुझे तो ना फाउंडेशन में मिक्स करना सबसे अच्छा लगता है। अब बात करते हैं कि कौन से स्किन टाइप को स्ट्रॉब क्रीम यूज करनी है और किस स्किन टाइप को स्ट्रॉब क्रीम यूज नहीं करनी। अगर आपका स्किन ड्राई है, वेरी ड्राई है, नॉर्मल है, कॉम्बिनेशन है, तो आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग स्ट्रॉब क्रीम यूज कर सकते हो। जैसे अगर आपको बहुत ज्यादा ड्राइनेस है फेस पे, तो अच्छा खासा अमाउंट आप ले सकते हो। वहीं अगर आप कॉम्बिनेशन स्किन के हो, जैसे कि मैं, तो मैं स्ट्रॉब क्रीम पे भी भर भर के नहीं लगाती हूँ। या तो फिर मैं ऐसा कर सकती हूँ कि अपना मॉइस्चराइजर स्किप कर दूं, या फिर मैं सिर्फ स्ट्रॉब क्रीम लगाऊं, या फिर दोनों यूज कर रही हूं तो थोड़ा कम कम मात्रा में उसको यूज करूं। एक चीज और मैं बता दूं आपको कि मैं तो सेंसिटिव स्किन की हूं, तो क्या मैं ये यूज नहीं कर सकती? कर सकते हो। अच्छे ब्रांड की स्ट्रॉब क्रीम जो होती है वो डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होती है। अब बात करते हैं ऑयली स्किन टाइप की, तो क्या ऑयली स्किन वालों को स्ट्रॉब क्रीम यूज करनी चाहिए? एक बात बताओ, तुम्हारे फेस पे इतना ज्यादा ऑलरेडी ऑयल है, और अगर आप ये फेस करते हो कि यार मेकअप के एक घंटे बाद मेरे फेस पे तो बहुत ज्यादा ऑयल जनरेट हो जाता है, तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप स्ट्रॉब क्रीम यूज करना थोड़ा अवॉइड करो। यार मजाक हो रहा है, नहीं ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? बट फिर भी अगर आप ऑयली स्किन वाले और आपका मन है कि नहीं मुझे स्ट्रॉब क्रीम लगानी लगानी है, एक हैक सुन लो मेरा। मैं बताया क्या करती हूँ, पूरा मेकअप हो गया, एवरीथिंग इज डन, हल्का सा एक से दो ड्रॉप आपने स्ट्रॉब क्रीम लेनी है, और मेकअप जो आपने कर रखा है ना उसके ऊपर ही हल्का हल्का ऐसे करके उसको स्मच कर लो, यूं तो जो शाइन आप चाहते हो ना वो आपको फिर मिल जाएगी। इतनी खुशी मुझे आज तक।
अब मैं आपको बताने वाली हूँ मेरी फेवरेट स्ट्रॉप क्रीम्स जो मैं यूज करती हूँ, जिसमें सबसे पहले आता है मैक की स्ट्रॉप क्रीम। अगर आप एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हो जरूर खरीदना। अगर आप सेल्फ मेकअप भी करते हो और आपको चाहिए कि यार मैं एक ही बार इन्वेस्ट करूंगी और अच्छे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करूंगी, तो आप मैक की स्ट्रॉप क्रीम अभी लिख लो, आप ले लो, बहुत अच्छी रहेगी। सेकंड स्ट्रॉप क्रीम है, उसका नाम है स्विस ब्यूटी। स्विस ब्यूटी के सारे प्रोडक्ट्स मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ, कुछ कुछ है जिनमें से स्ट्रॉप क्रीम तो मस्ट हैव है। अगर आप सेल्फ मेकअप कर रहे हो, इवन तो ब्राइडल भी कर रहे हो ना, तो आप स्विस ब्यूटी का स्ट्रॉप क्रीम है वो यूज कर सकते हो, काफी अच्छे रिजल्ट देगा। थर्ड मेरी फेवरेट जो है एग्ते, अपने बजट के हिसाब से काफी अच्छी स्ट्रॉप क्रीम है, आप अपने स्किन के शेड के अकॉर्डिंग ही खरीदना। अगर आप चाहते हो कि मैं इस टाइप की वीडियोस और बनाती रहूं, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन दो, इस वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करोगे, शेयर करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ। सो इसी के साथ मैं चलती हूं, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता के जाओ कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए।